जिसका इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तमाम फतेहपुर वासियों का था, वो दिन आज आ गया है। इस सड़क को एक बार आप देख लीजिए। इस सड़क से लगभग विधायक जी और पूर्व मंत्री एका बार नहीं बल्कि दर्जनों बार गए, और जब उनका कमर में दर्द हुआ तब उनको ये एहसास हुआ कि यह सड़क जो है वो बनना चाहिए। हमारे साथ विधायक जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, थोड़ा फट जाएंगे। इस तस्वीर को थोड़ा एक बार दिखा देंगे कि आज जो है माननीय श्री कुमार सर्वजीत जी के द्वारा, जो बोधगया के विधायक सह पूर्व मंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा जो है वो इसका शुभारंभ जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पे तिथि तय की गई है, लिखा गया 26/9/2024। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि 26/9/2024 को तो इसका शिलान्यास किया गया है, लेकिन सड़क बनना कब से प्रारंभ होगा और इसकी जो है समाप्ति जो है वो कब होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सड़क जब बनेगी तो इसका क्वालिटी कैसा रहेगा और इसे जाँच करने के लिए कौन कौन आएगा। हालांकि विभाग के इंजीनियर होते हैं जो जाँच करते हैं, लेकिन वो किस कदर जाँच करते हैं इसकी जानकारी मुझे ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों की है। एक बार इस सड़क को दिखा देंगे कितना ख़राब ये सड़क है, और जब बरसात का मौसम आता है तो सड़क और भयावह हो जाती है, लोग पैदल चल नहीं सकते हैं। आपको ये भी कह देते हैं कि गाड़ी से भी अगर आप चलेंगे तो इतना हचका है कि आपका कमर में दर्द तो निश्चित है। विधायक जी भी इस रास्ते से क्रॉस करते थे, लगातार लोग सवाल खड़ा करते थे कि आखिर विधायक जी करते क्या है, क्यों नहीं सड़क को जो है वो बना पा रहे हैं, क्या सड़क का जो है वो शिलान्यास किया जा रहा है। स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है, डुमरी चट्टी से फतेहपुर तक स्थिति खराब है। तो अब लग रहा है कि बन जाएगा, ये लगता है तो है, अभी शिलान्यास हुआ है तो बनना जरूरी है। चलिए चलिए ठीक है, इस मामले को लेकर हम सीधे विधायक जी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि सड़क का जो बनने का शुरुआत है वो कब से होना है और इसका समापन जो है वो कब तक होगा। धन्यवाद। इधर आइए, कहाँ है मुखिया जी, राजेश जी, स्टार्ट करिए। खींचोगे अभी के खाली रोडे है खींच, वो भी खिंचाएगा पहले, इसको कर लेते हैं तो और कुछ खींचना। हाँ हाँ स्टार्ट करिए, भी तो नहीं है, स्टार्ट है। देखिए हमारे साथ माननीय विधायक जी मौजूद हैं, इस डुमरी चट्टी रास्ते से कई बार क्रॉस किए होंगे, एहसास हुआ जब कमर में दर्द हुआ तो एहसास हुआ कि सड़क जो है वो बनना चाहिए। आज इस सड़क का जो है आपने कर कमलों से जो है उद्घाटन किया है, कब से इसमें काम लगेगा, बनने की शुरुआत कब होगी और समाप्ति कब होगी? समर जी, कमर मेरी और आपकी दोनों का दर्द नहीं, श्यामदेव भैया ने दुखवाया था जब वो MLA थे, तो उसी समय कमर में दर्द हुई थी, 9 साल रहे तो पहले ठीक पीड़ा हुई, और जब हम बने तो फतेहपुर का सर्व पहला रोड जो है हमने यही बनाया था, डुमरी चट्टी का। तो आपको तो पता ही है कि मानव जाति की भी उम्र फिक्स होती है आजकल, 60 नहीं तो 70, सड़क की भी फिक्स की जाती है 5 ईयर्स, और जब 5 साल हो गए और जब सड़क जर्जर हुई तो फिर हमने जो है उसको कहा कि इसको बना दीजिए। 5 साल के भीतर मेंटेनेंस करने की भी बात होती है या हम ये अलग से बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि यह प्रश्न जो है श्यामदेव जी से नहीं, जो विभाग के मंत्री हैं उनसे पूछते तो सही से जवाब इनका मिल जाता। हम चूंकि उस विभाग के मंत्री तो हैं नहीं कि हम आपको जवाब इसका दे पाएंगे। विधानसभा में आपको हम लोग इसलिए भेजते हैं कि खड़ा होकर चिल्ला के पूछेंगे, विधानसभा में इसलिए भेजते हैं हमको कि खराब हुई थी तो बनवा देना। लेकिन ये आपने कब पूछा कि कितना पापड़ बेलना पड़ा आपको इसको बनवाने में? तो आपको विधायक बनाने में तो जनता बहुत पापड़ बेलती है, तो आपको भी पापड़ बेलना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए तो आज खड़े हैं ना आपके सामने। बिल्कुल, अगर पापड़ नहीं बेलते तो हम भगवान बुद्ध के पेड़ के नीचे नहीं बैठे रहते, यहाँ थोड़ी रहते। तो कर दिया हमने और आशा है कि जल्दी होगा। चूँकि आपका एक और प्रश्न एक बार आया था कि विधायक जी भूमियार के गाँव का रोड बनाते हैं कि नहीं, तो क्या जवाब दिए? बहुत प्रश्न है, क्या जवाब दिए थे आपको? हम सबके सामने बता दीजिए। हमने भी कहा था कि 1 महीना में बन जाएगा, तो बन गया। तो हम बोलते बड़ा ठोस हैं जो हमसे हो सकता है। तो बोले आप ये भी थे चुनाव कि संडेश्वर मंदिर में, याद होगा जब पहली बार मंत्री बने थे, कि समर जी 35 सड़क बचा है, जब तक 35 सड़क बनाएंगे नहीं तब तक वोट मांगेंगे नहीं। वोट तो आप मांग लिए, 35 सड़क तो बना नहीं। अभी ये बताइए एक सड़क का शिलान्यास किया, अभी कितना सड़क बचा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? अब आपको मालूम नहीं है, हमारे पास अब सिर्फ 11 सड़क बचे हुए हैं। अब इस क्षेत्र में हमारे पास मात्र जो सिंगल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, अब सिर्फ 11 सड़क बची है, और यह 11 सड़क अभी तक मुझे लगता है कि 25 बार जरूर हम प्रधान सचिव को, मंत्री को पत्र दे चुके हैं, कल आपके ऊपर व्हाट्सएप पे भेज देंगे डेट वाइज, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो बचा है उसको भी अविलंब करें। लेकिन चूंकि परिस्थितियां कभी कभी समर भाई ऐसी उत्पन्न होती है कि
राशि, इस बात को भी, आप चूँकि पत्रकार हो, आपकी बात जो है पूरा क्षेत्र के लोग देखते हैं, सड़क कैसे बनती है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 1.5 साल हमारी सरकार थी, हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई सड़क बने, पैसा नहीं था, वर्ल्ड बैंक से कर्ज ली गई, कर्ज पूरा होते होते, मतलब कर्ज सेंक्शन होते होते सरकार गिर गई। अब जो है दूसरी सरकार आई, फिर हम लोग वही रोना रो रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है। अब जब गए मिलने तो उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार ने कुछ पैसा दिया है, आ जाता है तो उससे हम बना देंगे। तो अब 2 साल उधर देख ही लिए, कुछ दिन और देख लेते हैं केंद्र सरकार का कब तक पैसा आता है। लेकिन दोषारोपण ये चलता रहता है राजनीतिक जीवन में, ये सब एक पार्ट है। हमारा और आपका सबका जिम्मेवारी है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। टू द पॉइंट पर चर्चा करेंगे, कितनी प्राकृत राशि से ये सड़क बनाई जाएगी और इसकी समाप्ति की तिथि कब है, ये जनता जानना चाहती है। जनता अभी कॉन्ट्रैक्टर ने बताया है कि 1,60,00,000 का है, और चूंकि रिपेयरिंग मौसम आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए 4 महीने का होगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 महीना में बन जाए। क्यों, इसको देखना है ना, प्राकृतिक की लीला को। प्राकृतिक की लीला अगर सही रहेगी तो ये बंदा 1 महीने में बना के निकल लेगा। तो देखिए, अच्छा लड़का है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, और अच्छे कॉन्ट्रैक्टरों को जब सड़क मिलती है तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक सवाल है कि जब सड़क बनती है और बनने के बाद ही, कुछ महीने बाद ही जर्जर क्यों होने लगती है, इस पर कुछ जनता का सवाल है। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं, इंडिविजुअली नहीं है, जनता का सवाल ये है कि सड़क बनाने में बड़े बड़े विभाग के लोगों को जो है कमीशन जाता है, आप विधायक हैं, लोग ये भी कहते हैं कि विधायक को भी कमीशन जाता है, इसीलिए जो है वो ठेकेदार जो है कम लागत से सड़क बना देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? अभी जनता की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे जितने पत्रकार हैं सबको हमने चुनौती दिया, ठीक, जनता अभी बाद में ये फैसला करेगा। पत्रकारों को मैंने चुनौती दिया कि मेरे इस राजनीतिक जीवन में कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ले आओ जिसका छुपी जुबान से रिकॉर्डिंग लेके हमें बता देना कि हमको, मैं किसी से 1 रुपया लेता हूं। मैंने इंडिविजुअली आपको नहीं कहा, मैंने विधायक की बात की और विभाग की बात की। तो क्या ऐसा होता है, और अगर नहीं होता है तो फिर सड़क इतना कमजोर क्यों बनाया जाता है कि काम होने के 1 महीने बाद टूटने लगता है? समर बाबू, हम जब पत्रकार नहीं हैं और हमसे लोग पूछेगा कि कैमरा ऑन कैसे होता है तो हम बता देंगे। विधायक है ना आप? नहीं, हमको ही बता दीजिए। जब हम चोरी करते ही नहीं हैं, हम किसी से लेन देन होता ही नहीं है, तो ये आपको विधायक जी कैसे बता देगा कि क्या होता है? मतलब ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, या संशय है कुछ? अब तो बहुत सारी बात है, पत्रकारों के बारे में बहुत सारी बात होती है, नेताओं के बारे में नहीं, के बारे में भी बहुत सारी, नेताओं के बारे में नहीं होती है, तो ये सब पत्रकारों के बारे में होती है। ये सब चीज पे नहीं जाना है अभी, दिल पे लग गया कोई बात का, काम का होना चाहिए, काम का हो। जनता जो है ये आपसे नहीं खबर सुनना चाहती है, आपके व्यूअर काफी हैं, जनता ये सुनना चाहती है कि ये कब तक बन जाएगा। जनता ये भी सुनना चाहती है कि 11 सड़क जो आप बोल रहे हैं, पहले 35, अब बोल रहे हैं 11। आप देखिए, गौर करिएगा, विधायक जी ने पहले कहा था 35, अब कर रहे हैं 11। तो जो बाकी सड़क जो बना है, बाकी सड़क आई थिंक 24 जो सड़क बना है, उस बारे में आप लोगों की कितनी जानकारी है, और अगर आप है तो थोड़ा बता देंगे 24 सड़क कहाँ कहाँ बनी उतना। अभी 1 सप्ताह 10 दिन के बाद में मौसम ठीक होता है तो हम फीता काटने आएंगे सबका, और जब हम फीता काटते हैं तो आप तो आते ही हैं। बिल्कुल, आप बुलाते भी हैं? हाँ, बुलाएंगे एकदम, सभी रोड में बुलाएंगे बहुत जल्द, चूंकि अभी वर्क ऑर्डर नहीं मिला है लोगों को, टेंडर हो गई है। 12 सड़क तो हमारे संज्ञान में है कि ये सब अभी बनेगा, उसमें फतेहपुर का भी है, टनकुप्पा का भी है, ये सब रिपेयरिंग होना है। ज़्यादातर मेरे के यहाँ जो सड़क जिसका एज ख़त्म हो गया, मतलब 5 साल जिसका हो गया है, उसी का टेंडर हुआ है। नई सड़क की टेंडर अभी फिलहाल नहीं हुई है, और मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 महीना में मुझे, मैं अभी 1 सप्ताह पहले माननीय मंत्री जी से मिल के आग्रह किया हूँ कि भाई ये गरीबों का सड़क है, कोई सर्वजीत का और समर का नहीं है, गरीबों की सड़क है, इसको बना दीजिए, मुझे उम्मीद है कि बनेगा। लोग विधायक जी के बारे में ये भी कहते हैं कि सड़कों का जाल विधायक जी कुमार सर्वजीत ने ही बिछाया है, और विकास पुरुष के नाम से भी संबोधन करते हैं, क्या कहेंगे जनता को? बहुत धन्यवाद है, बधाई है। अभी मेरी और मेयर साहब की लड़ाई इसी बात की हो रही थी। लड़ाई हो रहा था या मोहब्बत हो रहा था? उसको प्यार की लड़ाई बोली जाती है, वही मोहब्बत होता है। यही बात हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे तमाम जनता के बीच में, कि जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो काम करो, चूंकि ये कुर्सी परमानेंट नहीं है,
ये कब आती है कब चली जाती है, ये तो कुर्सी है ना, कुर्सी का खेल बड़ा निराला होता है। तो जब तक समय मिला है काम कर लीजिए, कल किसने देखा है।